बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर है हमारा 3। टॉपिक जो मेन चल रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, उसी का एक सब टॉपिक जिसे हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो डिस्कस करेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को तो डिटेल से पढ़ लिया, एक फुटबॉल उसको हमने किक किया, ये एग्जांपल आती है इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की। यहाँ से ऐसे इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ से यहाँ गिरता है, ये जो मोशन है इसकी, ये टू डायमेंशनल है, आगे भी बढ़ता है ऊपर भी जाता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमने यहाँ पर एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर पाएंगे कि एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल यही देंगे, एक डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, हम ये देखेंगे कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, ये h इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डिफाइन इसको यूं करते हैं, देखिए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द प्रोजेक्शन लेवल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये है कि हमारा प्रोजेक्शन लेवल जिससे हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये प्रोजेक्शन लेवल आ गया। अब यहां से ये जा रहा है, इस लेवल से ये इनके ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो इस लेवल से ऊपर बढ़ता बढ़ता है कि मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा ये, ठीक है, वो हाइट हमने फाइंड करनी है और इस हाइट को हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ओके, अब ये बेसिकली एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने कवर किया, ठीक है, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमने फाइंड करना है। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमें कैसे इल्म होगा कि हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है इसके ऊपर, उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, vf is equals to vi plus at, दूसरी है हमारे पास s is equals to vit plus half at का स्क्वायर, और तीसरी है 2as is equals to vf का स्क्वायर minus vi का स्क्वायर। ठीक है, पहली इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट को डील ही नहीं करती ना, ठीक है, हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये डिस्प्लेसमेंट को डील ही नहीं करती है, तो हम सीधा सीधा रिजेक्ट करेंगे इसको। फिर दो आती है हमारे पास, एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनमें से कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे? देखें ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर है जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जिसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस वाई कह देते हैं, ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्सेलरेशन है इसके अंदर, इसके पास फाइनल वेलोसिटी और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये चीजें हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी, लेकिन साथ में टाइम भी। अब टाइम यहाँ पर क्या आपको पता नहीं चलता, टाइम इसमें नहीं पता हमें, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद जो है ये मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हुए हम इस वाली को सिलेक्ट करेंगे जो कि इक्वेशन थर्ड है। इसलिए हम यहां लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as is equals to vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमने क्यों ये इस्तेमाल की उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब देखिए जी यहां पर जो है हमारे पास एक बॉडी है, हमने उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको भेजा था ना, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखिए ये वेलोसिटी है, एक इसको ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट, एक इसको आगे ले जाने वाला कंपोनेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगी, वी आई साइन ऑफ थीटा, ये बात याद रखनी है, ठीक है, सिर्फ वी नहीं, वी आई तो दोनों डायरेक्शन में लग रही है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल भी और अलोंग द वर्टिकल भी, ठीक है। ओके, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी इस केस के अंदर क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वी आई साइन थीटा। अब आप एक ऑब्जेक्ट को अगर नीचे से ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो आपको पता है इसको फेंकने के बाद वो मैक्सिमम हाइट पर जाता है ऐसे और फिर वापस नीचे आता है, तो मैक्सिमम हाइट पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि इसके अंदर एक बात हमें ये पता चल गई कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो कितनी है जी, वी आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है, अच्छा। और फाइनल वेलोसिटी का हमें यहां पर पता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जाके जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ये यहां पर vf, वो आपके पास जीरो होती है। वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होती है जी,
हमारे पास जीरो। अच्छा, अब जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास होता है, हमने पहले भी प्रोजेक्टाइल के आरडीए केस में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल वे में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता और वर्टिकल वे में एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। लेकिन क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड मोशन है, तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, याद है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो वर्टिकल हाइट है वो तो हमने फाइंड करनी है, वो एच है, ठीक है, ये एच वर्टिकल हाइट हमने फाइंड करनी है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, यहां पर आ जाएगा ये 2, ए की जगह पुट करेंगे माइनस जी, और एस क्या है वर्टिकल हाइट उसकी, तो उसको हम एच कह देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी हमारे पास, वी आई साइन थीटा, इसका आप स्क्वायर ले लीजिए यहां पर ऐसे, ठीक हो गया। अब जी यहां पर इसको लिख लेते हैं ऐसे हम तरतीब से, माइनस 2 जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई का स्केयर हो जाएगा और साइन ऑफ स्केयर ऑफ थीटा, ओके। अब इधर का माइनस कट गया, ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है हाइट के लिए एच, तो एच किसके इक्वल होगा फिर हमारे पास, वी आई का स्केयर साइन स्केयर ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 जी। लो जी, तो ये आ गया हमारे पास वो मैथमेटिकल रिलेशन, जिस रिलेशन की हेल्प से हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को बासानी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, और आपने किस एंगल पे उसको सेंड किया थीटा वो चाहिए, ठीक है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको मालूम है 9.8 होता है, तो आप बासानी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड कर सकते हैं।